दोस्तों, जैसे कि टाइटल और थंबनेल में आपने देखा, फाइनल रिमाइंडर। और यहाँ पर ऐसा जो है आप लोगों को सुनने को मिलता है कि आपके पास बार बार कॉल आ रहा है, SMS आ रहा है, आप उसको जवाब नहीं दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो आपके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो है मुसीबत आ सकता है। अब से 2024 के या अगस्त का मंथ में आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। इस तरीके का अगर मैसेज रिसीव हो जाता है तो दिक्कत आपको होगा। अब क्या दिक्कत होगा वो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आप लोगों को वीडियो पूरा ध्यान से देखना है, तभी आप लोगों को सही तरीके की जानकारी मिलेगा। दोस्तों, अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, जो भी लोनोटिकेटिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, अगर मानो आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन ले रहे हो, अगर आप डिफॉल्ट करते हो, तो आपके पास कॉल्स आना चालू होता है। लेकिन मैं वीडियो के थ्रू ये बताता हूँ कि कॉल्स आपको उठाना नहीं है। अब अभी के टाइम में एक नया मैसेज आ रहा है कि फाइनल रिमाइंडर, उसमें बोला जा रहा है कि बार बार आपको कॉल कर रहा हूँ, SMS कर रहा हूँ, और आप उसका जवाब नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से वो एक लीगल एक्शन, लीगल स्टेप्स लेगा, जहाँ पर बहुत सारा चीज़ें वहाँ पर बोला जाती है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा हम कर देंगे आपके साथ, अभी पेमेंट करो, नहीं तो हम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से आपके साथ पेश आएंगे। अब ये SMS जो है आपके पास आता है, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों से डिस्कस करूँगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको फ़ोन के स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आप लोगों को वो SMS दिखाता हूँ। ये SMS आपके पास जाएगा, 100% गारंटी जाएगा, सभी के पास ऑलरेडी चला भी गया है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे इसके ऊपर, इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीनशॉट में आप लोग देख सकते हो, फुल एंड फाइनल रिमाइंडर यहाँ पर लिखा है, एज वी नो दैट वी आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट सिंस सो मेनी डेज, बट यू डिडेंट गेट एनी रिस्पॉन्स, दैट्स वाई द कंपनी हैज बीन डिसाइडेड टुमोरो आवर रिकवरी डिपार्टमेंट आर अबाउट टू विजिट टू एट एड्रेस बिटवीन 2 PM टू 4 PM, प्लीज स्टे एट होम, इफ़ यू डन योर पेमेंट इन जुलाई मंथ प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट विद अस। कहाँ से आ रहा है, एम पॉकेट से आ रहा है, ठीक है, लिंक प्रोवाइड किया गया है उस एप्लीकेशन का, लिंक प्ले स्टोर का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मानो इस तरीके का SMS आता है तो लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि भाई कॉल्स नहीं उठा रहा हूँ, अब ये SMS आ रहा है, इसका मतलब ये तो हम तो गलत कर दिए ना भाई, कॉल नहीं उठा रहा हूँ किसी का जवाब नहीं दे रहा हूँ, लोन तो लेके रखे हैं, अब जो है डर लग रहा है, एक कॉल नहीं जवाब नहीं देने पर ये जो है कुछ एक्शन कर दिया, तो एक्शन ले लिया तो, या फिर घर पे आ गया तो क्या होगा। देखिए, आप लोगों को बता दूँ, अगर मानो आप फ़ोन उठाते हो, एक बार आप उठा दिए, चलो कोई बात नहीं, फ़ोन उठाकर आपने अपना प्रॉब्लम बता दिया, लेकिन आप लोग देखोगे बार बार आपके पास कॉल्स आ रहा है, अलग अलग एजेंट कॉल कर रहा है। यहाँ पर मानो आप फ़ोन उठाकर एजेंट को बता रहे हो कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, एक को बता दिया, अब वो अपडेट भी हो गया, लेकिन दूसरा एजेंट क्यों कॉल करता है, ये सिर्फ आपको हैरेसमेंट करने के लिए कॉल करता है, ताकि आप लोगों को इतना कॉल करके परेशान करे और आप लोग जो है रिपेमेंट कर दो इनका, जैसे तैसे करके, ठीक है, पेमेंट करना नहीं है, जैसे तैसे करके आपको पेमेंट करना है, कुछ भी करो आप, ठीक है। तो यहाँ पर मानो ये नोटिस आता है, इसका मतलब या फिर मैसेज आता है, ये कौन भेजता है, चवन्नी छाप एजेंट भेजता है, क्योंकि इनके ऊपर भी प्रेशर होता है, भाई ये जो है पेमेंट अगर नहीं लेके आएगा तो इनका सैलरी होल्ड हो जाएगा। अब ये जो भी है लोगों को डराने के लिए ऐसा चीज़ें कॉल करता है कि भाई लीगल डिपार्टमेंट जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, कोई भी इनका अलग लीगल डिपार्टमेंट होता नहीं है, बस वो जो भी है कॉल करता है वही फील्ड में आते हैं, कोई अलग चीज़ें नहीं होता, जो फील्ड में आते हैं वो खुद से पुलिस वाले बन जाते हैं, एडवोकेट बन जाते हैं, जज बन जाते हैं, कुछ भी और जो है वो बन जाते हैं अगर होता है तो आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ, अगर मानो आप लोन लिए हो, अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हो, तो आप लोगों को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि डरना बंद करो, जितना डरोगे ना उतना डराएगा ये लोग, बस ये लोग डराने के लिए ये मैसेज भेज रहा है कि आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। अगर एक्शन लेना होता ना, कब का ले लिया होता, ऐसे इतना बेफालतू का जो है बातें नहीं करते ये लोग। तो यहाँ पर एक ही चीज़ समझना है कि ये लोग सिर्फ आपको टारगेट कर रहे हैं आपका डर का, वो डर अगर आपका दिमाग में जब तक रहेगा तब तक आप लोगों को परेशान करता जाएगा, जब आप थोड़ा सा आप लोग डर अपने दिमाग से निकाल दोगे, मैं आप लोगों को लिख के बता रहा हूँ कि ये जो भी है आप लोगों को कोई परेशान नहीं करेगा, अगर कर भी रहा है तो कोई फ़र्क पड़ने वाला भी नहीं है, बस यही चीज़ आप लोगों को करना है कि अगर वो डराए तो आपको कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है। यहाँ पर इसी तरीके से जो है आप लोगों को हैंडल करना है, अगर मानो कोई भी कॉल्स आ रहा है इस तरीके का, अगर मैसेज आ रहा है, अगर इग्नोर कर रहे हो, तो सिंपल तरीके से समझ लेना है ये जो है आपको डराने का कोशिश करना चालू कर दिया है, आप लोगों को डराएगा, धमकाएगा, बहुत सारी चीज़ें करेगा, बस आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, आप लोगों का मन को जो है थोड़ा सा स्ट्रांग रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको फेस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं अगर घर पर आप छुप के बैठ गए, डर गए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डराएगा, एक बार आकर देख लिया अगर आप डर रहे हो, बार बार आना चालू कर देगा, अगर वो एक बार आ रहा है दोबारा आप घूमकर नहीं आएगा, उसके लिए आपको उसमें उसको फेस करना पड़ेगा, उसी तरीके से उससे बात करना पड़ेगा कॉन्फिडेंट वे में कि तुमको अगर पेमेंट चाहिए तो बार बार आने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं देने वाला नहीं हूँ, जब मेरे पास पैसा होगा ऑनलाइन लिया था ऑनलाइन ही पेमेंट करूँगा, अगर तुमको आना है तो रेगुलर आओ, जो करना है तुम करो, मेरे को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बस यही चीज़ आपको वहाँ पर बोलना पड़ेगा। अगर आप बोल देते हो ना, मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बता सकता हूँ, वो एजेंट आपको दोबारा कॉल भी नहीं करेगा और
एसएमएस भी नहीं आएगा, और साथ ही साथ जो है मतलब कॉल्स एसएमएस आता है उसका मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि नहीं आएगा, वो जो है अलग अलग एजेंट करता है, लेकिन जो एजेंट आपके घर पर विजिट कर रहा है ना वो दोबारा नहीं करेगा विजिट। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग फेस किया था प्रॉब्लम, इस जो भी प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो अगर आप करते हो तो 100% गारंटी आप लोगों को जो है यहाँ पर इस तरीके का जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई भी एजेंट आपके घर पर घूम पर नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चल रहे, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।